तो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। आज की शुरुआत हो रही है ब्लॉग की शुभम को ऑफिस भेजने से। शुभम कितने टाइम बाद ऑफिस जा रहे हो आज? 2 साल बाद शुभम ऑफिस जाएंगे क्योंकि एक्चुअली शुभम के भी रेगुलर ऑफिस नहीं हुए हैं। तो अभी शुभम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, फटाफट उनको निकलना है गाड़ी से गुड़गांव। तो शुभम आर यू एक्साइटेड फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस? नहीं, वर्क फ्रॉम होम के मजे खत्म। पीका तो भैया हमारा भी पिक्का दूध पीते हैं ला, इसलिए अभी शुभम के लिए चीनी लेके आती हूँ फटाफट। अब शुभम को ऑफिस भेज के मैं नहा ली और मैंने ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया। मैंने इनकी ये वाली ड्रेस उतार के, ये भी बहुत प्यारी ड्रेस लाती है मम्मी की ना, ठाकुर जी की ड्रेसेस की चॉइसेस बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये वाली ड्रेस उतार के मैंने, अच्छा गुन्नू की है ये वाली ड्रेस बनाई है। एरन की मुझे ये पोंचू वाली स्वेटर इतनी क्यूट लग रही है ना, ये देखो इतनी गर्म वाली ऊन वाली है एक तो ये, और इसकी कैप कितनी क्यूट है ये देखो। पर कैप पिलाने से पहले हम इनको पिला देते हैं ये तुलसी माला। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ठाकुर जी को इतने टाइम बाद स्नान कराया क्योंकि हमारे घर पे ठाकुर जी नहीं है, पर अगर ठाकुर जी ने चाहा तो जल्दी जल्दी हमारे घर पे आएंगे वो। इनकी पहले इनको माला पहना देते हैं, ये इनकी बांसुरी इनकी आगे ही रख देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर डालेंगे तो इनको चुभ सकती है। और इनकी कैप, मुकुट नहीं पहनाएंगे क्योंकि इनकी कैप, ये देखो मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये है हमारे सबसे छोटे ठाकुर जी, सबसे पहले यही हमारे घर पर आए थे हम। ये देखो इनके, ये देखो मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, इनकी ड्रेस और इनकी स्वेटर, और इनकी ड्रेस और इनकी स्वेटर, इनकी ड्रेस का थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है बट हम इन दोनों की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम लेते हैं। जैसे ये देखो ये ड्रॉर में, ये इनकी बड़ी ड्रेस है ठीक है बड़े ठाकुर जी की, और ये छोटे ठाकुर जी की ड्रेस, हम इनकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम लेते हैं। ये जो ये हो गई जो मैंने अभी उतारी है ना, ये हो गई ये छोटे ठाकुर जी की स्वेटर, और ये बड़े ठाकुर जी की स्वेटर, हम दोनों की चीज़ें बिल्कुल सेम सेम लेते हैं। वैसे तो ये हमारे घर के सबसे छोटे ठाकुर जी है बट ये हमारे गुन्नू से भी पहले आए थे, तो ये गुन्नू से तो बड़े हैं, गुन्नू छोटी है। ये मैं इनको अपना भाई बुलाती हूँ। हाँ भैया है हमारे सबसे छोटे छोटे भैया, ये छोटे ठाकुर जी बड़े ठाकुर जी। और ये देखो ये हम, क्योंकि ठंड हो रही है ना तो मम्मी ने सबको ना शॉल पहना रखी है। ये देखो ये माता रानी की पुरुष निचन की येलो कलर की ड्रेस है माता रानी की। आपने मेरा नवरात्रि वालों में व्लॉग देखा होगा तो जो मेरा वायरल भी गया था तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी। इनमें मैंने माता रानी को तैयार किया था, तो हम माता रानी को सिर्फ वार त्यौहार पर तैयार करते हैं, नहलाते पंचामृत, लेकिन ठाकुर जी की सेवा हम रोज करते हैं। तो ये देखो ये मम्मी ने शॉल बना रखी है सारी, ये देखो ये बहुत गर्म है वेलवेट की, तो माता रानी को ओढ़ा रखी है। मुझे मेरा मंदिर बहुत याद आता है वहाँ पे। और देखो मैं आपको ऊपर भी दिखाती हूँ, ये देखो ऊपर गणेश जी को भी मम्मी ने शॉल बना रखी है। ये देखो गाय माता के लिए मम्मी ने कम्बल लगे कम्बल रख रखा है ताकि इनको ठंड ना लगे। बालाजी के लिए भी सारा, ये देखिए पूरे इनके तैयार हुए हुए हैं। इनका स्नान हो गया, इनका ये टॉवल वगैरह रख देते हैं सब हम ड्रॉर में अच्छे से। ये इनका ड्रॉर है इनके कपड़ों का पूरा, इनमें इनके कपड़े होते हैं, ये देखिए। और अब थोड़ी सी जोत जगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करेंगे। चलो अभी आप जरूर हमारे चैनल के नीचे लिख देना जय श्री श्याम जय श्री राम जय खाटू जी महाराज। मैं आपको ना प्यारे प्यारे खाटू जी भी दिखाती हूँ, देखिए क्योंकि कम्बल वम्बल डाल रखे हैं ना मम्मी ने, तो ये थोड़े से पीछे छुप गए। ये एक हमारे खाटू श्याम जी हैं छोटे छोटे से, ये है तो छोटे लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हमारे घर के लिए। जय श्री श्याम। झंडे वाली माता के ऊपर भी मम्मी ने पूरे डाल रखा है कम्बल सा, मतलब शॉल। पर मुझे माता रानी की शॉल बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है हमारी माता रानी इसमें। जय माता दी। ठाकुर जी भी नहा लिए और हमारा बेटा भी नहा लिया जल्दी से, नानी के हाथों से नहाया भाई आज तो हमारा बेटा। एंड सुबह सुबह आ गया है मेरी मम्मी के हाथों का नाश्ता। आज मम्मी ने ये बाजरे का ढोडा बनाया मेरे लिए, मुझे ना बहुत मन था बड़े दिन से बाजरे का कुछ खाने का, मैं पहली बार खाऊंगी बोल तो मतलब मेरे को सुना है मैंने कि बहुत अच्छा होता है हेल्दी होता है, तो मम्मी ने बनाया ये मेरे लिए। तो सारा व्हाइट मक्खन डाल के, और ये आलू का पराठा, और ये हमारी पनीर। और भाई इस मम्मा ब्रेकफास्ट कर रही है तो ये भी ब्रेकफास्ट करने लग गया अपना, भैया मम्मा मुझे भी भूख लगी है, तो हम दोनों मम्मा पपीटा खाएंगे अच्छे से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट क्योंकि भाई मम्मी ने इस बार जिद करी कि शुभम कभी भी कुछ भी नहीं लेते हैं, बट मम्मी ने बोला शुभम जैसे कि ऑफिस गए हुए तो चलो उसके लिए कुछ लेने चलते हैं, हमेशा वो मना कर देते हैं, बट अगर ले आएंगे तो मना कैसे कर पाएंगे शुभम। तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो मम्मी ने बेबी के लिए बहुत सारे कपड़े लिए, मेरे लिए भी लिए। अब मम्मी और मैं आ चुके हैं घर और हमें आके मिला सरप्राइज, दिव्या पूछ पाती हुई शॉप ले आई और हमारी डोडो आई है और अब लाए परवल के फेमस मोमोज। मुझे वहाँ मोमोज मिलते हैं। काका मुझे देख रहे, अपने पापा को देख रहे, अपने
इसको बोबोस खिला रहे चटोरी को, कैसे खाते हैं डोडो? डोडो कैसे खाते हैं? भूखी है मेरा बच्चा। शुभम, शुभम आपको ऑफिस कैसा था आज? उसको चुप कराओ जल्दी। शुभम आपको ऑफिस कैसा था? अच्छा बोरिंग। बुआ दो दो इधर देखो, बुआ बुआ की याद आती है आपको? बुआ की याद आती है मेरा बच्चा चाहो तो। और यहाँ पे शुभम लगा रहे हैं भोग क्योंकि आज है ट्यूसडे और हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। अभी मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग करने भैया की शॉप पे। यहाँ पे सारी मोस्टली मैं अपनी शॉपिंग यहीं से करती हूँ, पर भैया मुझे हमेशा महंगे लगाते हैं। भैया ऐसा क्यों? इतनी दूर से आते हैं आप तो महंगा ना दें आप। टोल टैक्स काटोगे क्या? टैक्स ही काटे उसका। और उधर भैया छुपे समोसा खा रहे हैं। भैया आए बोलो। हेलो अब मेरे शादी की ज्वेलरी सारी शॉपिंग मैंने यहाँ से करी है, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आ जाना, मेरा नाम लेके आपको ज्यादा ही रेट मिलेंगे, कम नहीं देंगे भैया। है भैया पक्का? पक्का कम करोगे? कम कर भेजूंगी मैं, प्रॉमिस। शुभम तोलोगे चावल? आपको नहीं आता है? गले पैसे काटोगे? तो गाइस अभी हम अपनी दुकान पे आए हुए हैं और पापा मेरे, ये नीचे हमारी बेसमेंट है। हमारे दुकान में सब कुछ मिलता है, देखो दाले वाले सब। छोटा रिलायंस है हमारा, छोटा रिलायंस स्मार्ट। अरे किसकी गोदी में चले गए? मामा की। लाला की डी लाला। हाँ भाई लाला की डी लाला की देख रही है। लाला की देख ला है? लाला की देख लाला। हट गया कहा चाहिए? कहा है? भूखी लगी है आकर। तो ये सब भी आ गए उदीप से मिलने के लिए क्योंकि हम लोग कल जाने वाले। तो चलिए आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टाटा बाय।